मिल चार्जर से हमको दूध की क्वांटिटी में अच्छा रिजल्ट आया। ऊपर से ये 90 दिन पर गर्मी पर आने वाली थी, 15 दिन पहले आया, ये मेजर इसका रिजल्ट आया। इसकी वजह से हमें गो माता की जान भी बचा सकते हैं और हम जो दूध खा रहे हाँ, उससे हम भी हमारी सेहत अच्छी रख सकते हैं। और गोबर क्वालिटी में भी सॉफ्टनेस आई। दूध में आई ना फैट की क्वांटिटी अच्छी आई ना। इसका यानी इसके तुलना से दूसरे जिस इसका रेट दूध का रेट ज्यादा मिला। टेस्ट बढ़िया टेस्ट आ रहा है, मिठासपन उसमें बड़ा है। मिठासपन इसमें आपका खर्चा बढ़ा था क्या हुआ? नहीं खर्चा नहीं बढ़ा सर, बाद में डॉक्टर का खर्चा बढ़ता, वो अपने को दिखता नहीं, अनसाइलेंटली खर्चा। यस, डॉक्टर का खर्चा रहा कुछ रहा। यस, ऊपर से ये अगर तुम्हारा अस्वस्थ रहा हाँ, तो उसका खर्चा, खाना नहीं खाएंगी अच्छे से, दूध नहीं देंगे। सही है, सही है। वो जो दूध अपन घर में यूज करते उस पर इफेक्ट, यानी वो अनसाइलेंटली है सर वो खर्चा। आज अपने को दिखेगा एससीटी वैदिक का अपन ने ये लाया, आज खर्चे में दिखेगा वो, पर उसके फायदे अपने को साइलेंटली होते रहते। अभी बीच में लंपी की समस्या आई है, बहुत सारे गौ माता की जान चली गई। जिस जिन किसानों ने ये मिल चार्जर का इस्तेमाल किया है उनकी बहुत सारी गौ माता बची, लगभग राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे किसानों ने इस्तेमाल किया, तो उनके गाय के ऊपर मिल चार्जर का इस्तेमाल किया है तो लंपी नहीं हुआ। स्पेशली घर पर ही रखते हैं हम, बाकी का डेयरी पर जाती है। इसका इसका घर पर ही रखते, क्यों घर पर रखते हैं? इसका सर अभी ऑर्गेनिक सर ट्रीटमेंट चालू है, बाकी मिनरल मिक्सचर से अच्छे रिजल्ट आए इसके करके हम घर में ही मिल चार्जर, वैदिक मिल चार्जर, वैदिक मिल चार्जर। ओके, तो कितना बड़ा दूध? तो सर इसका 5-7 लीटर का था कैपेसिटी, 8 पर आया है, 8 पर दोनों टाइम का। यानी कितना बड़ा एक दूध कितना बड़ा? एक 2.5 से 2.5 लीटर बड़ा। 2.5 लीटर नमस्कार सर, आपका नाम और पता और मोबाइल नंबर बताइए। मेरा नाम एडवोकेट शैलेश सुरेश भगत जी, पता खेड़ी कला, तहसील पांडुरना, जिला छिंदवाड़ा। सर आपको इस गाय के लिए मैंने मिल चार्जर दिया था हाँ, तो इस मिल चार्जर के आपको क्या अनुभव दिखे इस गाय को देने के बाद? मिल चार्जर से हमको दूध की क्वांटिटी में अच्छा रिजल्ट आया। ऊपर से ये 90 दिन पर गर्मी पर आने वाली थी, 15 दिन पहले आया, ये मेजर इसका रिजल्ट आया। 15 दिन पहले आए, जैसे 90 दिन आने वाले, 90 दिन पर आना चाहिए गाय, 15 दिन पहले आई। 15 दिन पहले हाँ, यानी अभी इसको एक कृत्रिम गर्भाधान से हाँ ये आई इसका हो गया है जी। और इसके पचन क्रिया में और क्या? पचन क्रिया और गोबर क्वालिटी में भी सॉफ्टनेस आई। सॉफ्टनेस हाँ, तो और क्या कहते हैं इसका जो दूध था आपने बोला था कि ये दूध थोड़ा गाढ़ा आएगा, तो उसमें क्या अनुभव दिखता आपको? दूध में आई ना फैट की क्वांटिटी अच्छी आई ना। अच्छे हाँ, इसका यानी इसके तुलना से दूसरे जिस इसका रेट दूध का रेट ज्यादा मिला। हाँ, हमारे तीन गाँव में काकड़े के हाँ, एक ही गाय को शुरू किया था। एक ही गाय का सर जी, और बाकी और अपन चाय कहाँ यूज कर रहे हैं? एससीटी वैदिक संतरे के इसमें उसका क्या अनुभव है? उसका अभी तो इस साल ही हमने लगाया है जी, और दो बार ड्रिंचिंग, दो बार वेसल डेस होके प्लांटेशन में अच्छी ग्रोथ है। शुरुआत में आपने ये मिल चार्जर की एससीटी वैदिक की जानकारी कहाँ से ली थी? मंगलेश भूते जी से। मंगलेश भूते सर जी, कितने दिन से आप एससीटी वैदिक के साथ जुड़े हो? सर हम जून महीने से जुड़े 2022 से। ओके, तो डायरेक्टली मंगलेश सर ने आपको जानकारी दी शुरुआत हाँ, में। जब से आपने जानकारी ली उसके बाद आपने इस्तेमाल स्टार्ट कर लिया हाँ, तो ये मिल चार्जर का कब से इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मिल चार्जर का हमने अभी 2 महीने पहले गाय जैसा डिलीवरी हुई तभी यूज करना शुरू किया। इनकी संतरे के लिए विजिट आई हाँ, तब इन्होंने ये दिया था कि इसका भी आप यूज करके देखिए रिजल्ट आएगा। तो इसको 2 महीने हो गए मिल चार्जर स्टार्ट हाँ, है, चालू है हाँ। ओके, तो कितना देते हो आप इसको मिल चार्जर सुबह शाम? 50-50 ग्राम। कैसे देते हो? इसमें अपने ढेप इसमें
दाना ढेप पशु आहार में। ओके, तो जब से वो मिल्क चार्जर खाने लगी है तो अभी इसके स्किन में बाकी इसके पूरे बॉडी में आपको कुछ चेंजेस दिखने लगे? हाँ, शाइननेस तो आई, रिजल्ट इसका अच्छा है, दूध के फैट डिग्री में, गोबर क्वालिटी में। कितना आपका दूध कितना बड़ा? दूध तो सर इसका 5-7 लीटर का था कैपेसिटी, अभी 8 पर आया है। 8 पर दोनों टाइम का, यानी कितना बड़ा, एक एक दूध कितना बड़ा? एक 2.5 से 2.5 लीटर बड़ा, 2.5 लीटर का दूध बड़ा। और SNF और फैट कितना बड़ा? क्या SNF और, तो अभी वो तो सवेरे चेक होता है सर, वो तो बड़ा है इसका, यानी हमने टेस्टिंग के लिए इसका अलग ये किया है, टेस्टिंग के लिए इसका यानी 10-15 दिन अलग किया, बाकी तो सब पूरे जानवर है तो एक साथ ही जाता है। हाँ, आपको जो कर रहे ना, जो आप बोल रहे 3-3 महीने बाद, ये भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर कंटिन्यू चार्जर अगर दिया। इसमें आपका खर्चा बढ़ा क्या क्या हुआ? नहीं, खर्चा नहीं बढ़ा सर, बाद में डॉक्टर का खर्चा बढ़ता, वो अपने को दिखता नहीं अनसाइलेंटली खर्चा। यस, डॉक्टर का खर्चा रहा, कुछ रहा। यस, ऊपर से ये अगर तुम्हारा अस्वस्थ रहा हाँ, तो उसका खर्चा, खाना नहीं खाएंगी अच्छे से, दूध नहीं देंगे। सही है, सही है। वो जो दूध अपन घर में यूज करते उस पर इफेक्ट, यानी वो अनसाइलेंटली है सर वो खर्चा। आज अपने को दिखेगा SCT वैदिक का, अपन ने ये लाया मिनरल मिक्सचर लाया, आज खर्चे में दिखेगा वो, पर उसके फायदे अपने को साइलेंटली होते रहते। जब से आपने ये मिल्क चार्जर स्टार्ट किया है तब से इसको कुछ डॉक्टर वगैरह नहीं, नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी। मैं तो बता रहा हूँ सर, 15 दिन ये पहले आई गर्मी पर पहले आई। हालांकि 90 दिन में पशु आना चाहिए। यस यस, वो यानी गोठा सक्सेसफुल रहता है। 90 दिन में वो गांव पर आ गई, वो गोठा सक्सेसफुल रहता आगे के लिए, यानी वो अपने गोठे पर एक्स्ट्रा बाहर आता नहीं है। इसका ये 15 दिन पहले आई सर, 15 दिन पहले आई। हाँ, और जो दूध टेस्ट करते हैं आप इसका? हाँ, दूध के चलिए घर पर ही रखते हैं हम, बाकी का डेयरी पर जाती है। इसका घर पर ही रखते? क्यों घर पर रखते हैं? इसका सर अभी ऑर्गेनिक सर ट्रीटमेंट चालू है, बाकी मिनरल मिक्सचर से अच्छे रिजल्ट आए इसके करके हम घर में ही मिल्क चार्जर, वैदिक मिल्क चार्जर। दूध के ऊपर मलई कितनी बड़ी क्या आपके एक? वो तो सर घर पर बड़ी है, आपको उसके बारे में पता नहीं करनी। ओके, तो पहले आप दूध खाते थे और ये अभी SCT वाली कमिल चार्जर का दूध खा रहे? हाँ। तो इसमें आपको क्या अंतर मिल रहा है? टेस्ट बढ़िया टेस्ट आ रही है। ओके, यानी मिठासपन उसमें बड़ा है? मिठासपन। ओके, ठीक है। बाद में गोबर में आपको क्या बदलाव? गोबर में भी आई है सर क्वालिटी, सॉफ्टनेस आया है गोबर में, सॉफ्टनेस आया। ओके, और गाय की भी पाचन शक्ति बोलो, पानी पीने का, इसको डॉक्टरी खर्चा कुछ भी नहीं आया। यानी डॉक्टरी खर्चा कम हो गया। हाँ। पानी वगैरह अच्छा पीती? पानी अच्छा। जब अभी ये नीचे आपने देखा है खाना खाने के वक्त कुछ ऐसा चारा नीचे बचता है क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरी तरह से खाना खाती है? पूरा तरीके से। हाँ। अभी आप देख ही रहे ना, पूरा साफ है। हाँ, नीचे पूरा साफ है। हाँ। सही। बाकी जो किसान है मध्य प्रदेश के सभी किसान है, उनके पास गौ माता है? अभी बीच में लंपी की समस्या आई है, बहुत सारे गौ माता की जान चली गई। जिन किसानों ने ये मिल्क चार्जर का इस्तेमाल किया है उनकी बहुत सारी गौ माता बची, लगभग राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे किसानों ने इस्तेमाल किया, तो उनके गाय के ऊपर मिल्क चार्जर का इस्तेमाल किया है तो लंपी नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मिल्क चार्जर क्या करता है, जो आपका गाय है गौ माता है उसकी डाइजेशन सिस्टम बढ़ाता है। SCT वैदिक से सर प्लांट और जो सॉइल का है वो सॉफ्टनेस वो बरकरार है सर, सॉइल की सॉफ्टनेस बोलो, उसकी क्वालिटी। यस यस। हाँ, तो मिट्टी उपजाऊ होती जा रही है? उपजाऊ होती जा रही है। सही है, जैसे कि चाय पत्ती जैसी। चाय पत्ती जैसी मुलायम होती जा रही है। अभी देखी ना सर। हाँ, सही है। तो सभी मध्य प्रदेश के किसान हैं जिनके पास गौ माता है, जो SCT वैदिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं सजेशन दूंगा सर कि पशु ने जब से जन्म लिया तब से 50-50 ग्राम SCT वैदिक का मिल्क चार्जर वो देना ही देना चाहिए। उससे पशु की ग्रोथ भी होगी अच्छे से और वो आखिरी तक के अपने को बेस्ट क्वालिटी का रहेगा और डॉक्टर का खर्चा नहीं रहेगा, चाहे वो बैल रहे, गाय रहे, भैंस रहे, छोटे ये रहे, सभी पशुओं के, सब पशुओं को देना चाहिए। सही है। इसकी वजह से हमें गौ माता की जान भी बचा सकते हैं और हम जो दूध खा रहे हाँ, उससे हम भी हमारी सेहत अच्छी रख सकते हैं। जी। ओके, तो आप यहाँ पे एडवोकेट है? जी, मैं एडवोकेट हूँ। सैटरडे संडे आता है। आप संडे फार्मर है? जी। तो अभी जो भी सभी संडे फार्मर है जी। बाकी जे जो खेती में कभी कभी जाते जैसे आपके जैसे जी, फिर भी खेती में आने के बाद इतना बड़ा नया नया टेक्नोलॉजी ढूंढ लेते हैं जी, जो वेल एजुकेटेड है जी, सभी किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहते हो, एक जैसे कि एक वकील होने के? हाँ सर, अभी SCT वैदिक का तो हमारे यहाँ इन्होंने मंगलेश जी ने लाया है। हाँ।
ये भी अच्छी मेहनत ले रहे हैं, सबको प्रॉपर गाइडेंस कर रहे हैं, सही है, पूरे किसानों को प्रॉपर मिल रहे हैं। और इनका मेरे को एक अच्छा लगा, मैं वीडियो भी दिखाया इन्होंने, इन्होंने एक किसानों को बोला कि आप 100 ट्रीज पर आप ट्रायल करके देखिए, बाद में आप रिजल्ट देखो, बाद में आप ट्रायल करो। मैं तो इससे यानी जुड़ा था, यानी बास में पहले डाला था, हमारे यहाँ थे एक विलास भोहर करके, उनके पास था, उनका रिजल्ट देखा। मैंने तो पेड़ लगाया तब से ठाना था कि अपन यही एसेटी वैदिक ही यूज करेंगे। हाँ, उसके बाद सर ये जो है इनका भी प्रॉपर गाइडेंस रहता प्रत्येक किसानों को, मैंने भी देखा, एक सदाशिव काका जी रितेश दादा ने भी बराबर बजट देख के सब देख के प्रॉपर गाइडेंस करते हैं दोनों ने। मंगले जी हर एक किसान को अच्छा करते, मेरे सामने तो किया है सर, मैंने मेरे कोर्ट में एक क्लाइंट को भेजा था पंकज वंजारी करके, मेरा नाम भी मत बोलना, बोला कि आप स्पेशली इनको फोन करो केस के लिए, क्या सर्विस है इनकी, सिर्फ नंबर दिया इनको, बताना भी नहीं बोला मेरा नाम। इन्होंने उनसे बात की है प्रॉपर दोनों, अभी पता चल रहा है कि सर ने भेजा था विजिट होने के बाद में पता चला, सर्विस देखो इनकी कैसी है कि अपने यहाँ है क्या, तो ये प्रॉपर गए उनको सब बता दिया, उनको भी वही गाइडेंस किया कि सर जब समय मिलता तब किसानों को गाइडेंस भी करता, एक उनका मैंने देखा ऑफिस में, अगर वो फ्री रहे अगर कोई आया तो उनको बता दे कि आप खेती में थोड़ा सुधार लाओ, थोड़े से उसको आप एसटी वैदिक से जोड़ो। मैक्सिमम सर क्लाइंट भी सब कृषि प्रधान ही है अपना, हमारा एरिया भी संतरा कपास तुअर, तो जनरली टाइम मिलता है, पेशी पर कैसा एक दिन का टाइम होता ही है, तो क्या बोआ क्या नहीं वो बताते, तो तब बता ही देता है कि आप ये यूज करके देखो, इनका नंबर दे, इनको मोबाइल नंबर भी याद हो गया। सर मार्केट में बहुत सारे जैसे कि ऑर्गेनिक है जी, बहुत सारी कंपनियां आई है, लेकिन ये जो एक हमारा मिशन है कृषि वैदिक का मिशन, हमारे जो राम सर है जी, इनके द्वारा ये मिशन हम आगे लेके चल रहे हैं, तो इस मिशन के बारे में आपको क्या लग रहा है? ये मिशन तो सर इनका है, इनको कठिनाइयाँ जाएगी पर मिशन ये 110% सक्सेसफुल होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। यदि किसी किसान को कुछ जानकारी चाहिए मिल चार्जर के बारे में, एसटी वैदिक के बारे में, तो आपका नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ का एड्रेस बताइए। शैलेश सुरेश भगत, तहसील खेड़ी कला, तहसील पांडुरना, जिला छिंदवाड़ा, मोबाइल नंबर 9826860020। ओके, और यहाँ पे आपको मार्गदर्शन मंगलेश सर करते हैं, तो यदि किसी किसान को कुछ समस्या है, कुछ विजिट चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, तो आप मंगलेश सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपका नाम और मोबाइल नंबर? मेरा नाम मंगलेश भुटे, मैं तीगाँव से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7974242637। थैंक यू।